घर पर आने वाले हो मेहमान या बच्चों के लिए कुछ क्रिस्पी क्रंची टेस्टी सा बनाना हो तो बनाइए ये वेज लॉलीपॉप जो कि खाने में अमेजिंग है। तो लेते हैं बोल में उबले और मैश किए हुए आलू, साथ में डालते हैं प्याज, हरी पीली लाल शिमला मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, स्प्रिंग ऑनियन, रेड चिली फ्लेक्स, इटालियन हर्ब्स, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नींबू का रस और साथ में डालते हैं ब्रेड क्रम्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक परफेक्ट सा डो बना के रेडी कर लेंगे। और अब हम मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, लगाते हैं आइसक्रीम स्टिक और इस तरीके से अच्छे से रोल कर लेंगे। सभी लॉलीपॉप्स रेडी हो गए हैं। अब हम स्लरी बनाने के लिए लेते हैं कॉर्नफ्लावर, मैदा, नमक, रेड चिली फ्लेक्स, साथ में डालते हैं पानी और बिल्कुल पतला घोल बना के रेडी कर लेंगे। अब एक एक करके लॉलीपॉप्स को डिप करते हैं स्लरी में और इसे हम ब्रेड क्रम्स के साथ बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेंगे। सभी लॉलीपॉप्स रेडी है। अब इसे हम गर्म तेल में डालकर फ्राई करते हैं। उलट पलट के हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। तो ये देखिए वेज क्रिस्पी क्रंची पोटैटो लॉलीपॉप्स बनके रेडी हो गई जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा और इसे आप गर्मा गर्म टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छी बनी है।